हेलो जी, राम राम जी। थे सब बढ़िया होगा। आज मैं देखो था ना, ये 6 मीटर कपड़ो ली छू। देखो नहीं हो चाट रहे, अभी आवाड़ो इमी प्रिंट चे पूरे गोटा वाला कसी दासा चे। मैं देखो यहाँ ये उल्टी साइड तो यहाँ नहीं हो चाहिए, वरक काम छे जे, और यहाँ प्लेन कपड़ा में चाहिए आवाड़ो। तो देखो ये 6 मीटर कपड़ो ली छू मैं, और एक लिए पट्टो लगा बुकरम वालों के लिए प्लेन कॉटन ली छू 2 मीटर कपड़ो, और या 3 मीटर अस्तर ली छू एक। तो ये सिलाई को कटिंग को वीडियो थे पूरा देख जो मारो, तभी समझ में आओ तेरे कैसे ओक सिलू जो वो आगे पता चल लो काई डिजाइन बनाऊ छू मैं। तुम्हारा वीडियो ने पूरा देख जो थे, और मारा चैनल पे जो भी नया जो वो सब्सक्राइब कर जो, लाइक कर जो, शेयर कर जो, तो यह देख जो अब थे। तो देखो इन्हें नापा ला, 6 पैना 6 मीटर कपड़ो चंदो, 6 पैना बना ला अपना। ये तो इसकी लंबाई है ना पैना की 39 इंच आ रही चा अपना, तो 6 पैना एक घड़ी खा ले ला 39 इंच सो अपा। तो यहाँ नाप ली मैं या इंच टेप सू, अब यहाँ की घड़ी खा ला चा अपा, फोल्ड करा ला खबा को मतलब यहाँ फोल्ड कर लू ली कपड़ा पूरा ना अपा, छबा कर लेंगे इका। तो देखो पूरी घड़ी घाल दी मैं, और ये बिछा दी कपड़ो अठ है, और बिछा ली। देखो ये 6 पार्ट होगा, दो तो डबल है, एक एक सिंगल है ना, तो 6 होगा ना। अब यहाँ की लंबाई नाप रही जो मैं बिछाया 5 कतरी चा, तो बिछाया 5 39 इंच आ रही चा, पर आप रे ये सिलिया बाद मुझे ना कहीं चे सिलाई मैरिया में आओ चे। लहंगा की लंबाई अपन ने 40 इंच करनी चे, तो अपन ने फो ना 6 इंच चौड़ो काटेंगा, तब आपकी लंबाई होगी की, क्योंकि एक एक इंच तो नीचे पट्टा में भी सिलाई में चल जाओ लो, 1 इंच ऊपर चुन्नट में भी चल जाओ लो सिलाई में, तो फिर आप 37 इंच ही रह जाओ ली। तो नेपो 3 इंच को करांगा पा। तो ये पहना सबना अलग कर लू ली, यहाँ उन्हीं का कटिंग कर, ऊँडी का ना रंडी का ना, यह कटिंग कर लेंगे यहाँ उन्हीं का सारा पहना की। तो देखो ये पहना की कटिंग कर ली मैं पूरा की। अब आप एक पैनो रख लेंगा जिम सुने फोनी खा लेंगा, और 5 पैना ना उठा देंगा, 6 पैना चन पूरा ये। तो एक पैना ना उठा रख ली मैं, और 5 ना उठा दी, तो नेफा एक कटिंग करा ला पाई मैं। तो देखो यहाँ फोल्ड कर बिछा लू ली मैं इन्हें कपड़ा ना, और एक आप बुकरम वाली पट्टी लगाऊंगा। तो देखो ये कपड़ो यहाँ उन्हें बिछा दी मैं इन्हें, और इसकी चौड़ाई आपा 6 इंच करांगा, और लंबाई की 39 इंच रहोली, तो फोल्ड भी हो जाओ तो 38 इंच रह जाओली। और इसकी चौड़ाई देखो 6 इंच ले रही चु मैं आज, नहीं मैं 5 इंच ले उची ज़्यादातर, तो आज 6 इंच होगी की चौड़ाई। तो यह निशान लगा रही चु मैं चौकसू, चौक सू निशान लगा लेंगे या, और एक ही अभी या कटिंग कर रही छू मैं, निशान लगाए झंडा सू, तो इन्हें पा कटिंग कर लेंगे अपा। तो लहंगा की थोगी कटिंग, अब अस्तर की रे पट्टाई करांगा कटिंग अपा। तो के लिए 2 मीटर तो पट्टा कपड़ो जो, और 3 मीटर अस्तर को जो। तो पहली अस्तर की कटिंग कर लेंगे जिम सू, पहली नेफा के लिए अस्तर निकालांगा पा। तो देखो पहली अभी छादी में यहाँ उन्हीं का, और जी हाँ अपन वो कपड़ों जो ना लहंगा को भी की नाप सुई को अस्तर की कटिंग कर लेंगा नेफा के लिए। तो देखो ये मैं बिछा दी, यह बिछाई का बरोबर कटिंग कर लेंगा कि नेफा की अस्तर लगाऊंगा नेफा का, क्योंकि कपड़ो थोड़ा सा पतलो है जिसको अस्तर लगाऊंगा एक। अब यह अस्तर के लिए बिछाऊंगा यह 3 मीटर कपड़ो जो ना अपने जिम से बस नेफो निकाल अस्तर निकाल लिया। अभी इन पहले दो लोड़ा फोल्ड करांगा कपड़ा ना, पहले तो यह दो लोड़ा फोल्ड कर लेंगा, और फिर ऊ कुणा ई कुणा में ले आऊंगा, तो 4 लड़ा फोल्ड हो जाओ लो अपने कपड़ो। देखो ई कुणा अंडी की साइड कर लेंगा,
फिर ये चार लड़ा हो जाओगे कपड़ों। अभी का कमर को अपन निशान लगाऊंगा 11.5 इंच पे, क्योंकि कमर 38 इंच करनी चाहिए ना अपन, तो 11 इंच पे निशान लगा रही चूं मैं कमर वालों, क्योंकि एक एक इंच फोल्ड भी होगो। तो अब लंबाई को ले रही चूं मैं 38 इंच पे निशान है, क्योंकि 1 इंच फोल्ड हो जाओ लो तो आप 37 इंच रह जाओ लो अस्तर, फोल्ड ही करा लो सिलाई करांगा अस्तर कभी। तो यहाँ उन्हीं का यार निशान है लगा ली चूं मैं पूरा पे 38 इंच पे। यार 38 इंच में निशान लगा लेंगे पूरा। अब एक ही कटिंग कर लेंगे, पहले तो अंडा सु कमर पर सु करेंगे, फिर नीचा सु कर लेंगे कटिंग, अंडा सु गोलाई में ये हो जाए कटिंग। अब नीचा सु कर लिया कटिंग, और या झंडा कपड़ों जुड़ोगे ना वो बच्चे जी ने कपड़ा ने बिछाई को ऊपर, और यहाँ नाप सु कटिंग कर लेंगे, क्योंकि पतलो कपड़ो से तो दिखा हो जो अंडेर काटन हो जा पाना, और लंबाई भी नाप सको जो करी है ना समझ में आओ तो था कह। तो यह अस्तर भी कटोगो, अब पट्टी को कपड़ो काटेंगे अपा, तो यह 2 मीटर लिया जा पट्टी के लिए कपड़ो। तो देखो यह 9.5 इंच पे निशान लगाऊ ला, क्योंकि अपना 4.5 इंच की बुकरम है तो बिना पूरी ने सिलनो चे बीच में रख रहे, तो यह 9.5 इंच पे निशान लगा रही चू मैं। अया उन्हीं को पूरी पे निशान लगा लेंगा, 4 भाग करेंगे ही का है ना। अया उन्हीं का अब निशान लगा ली मैं पूरी पे, और यह कटिंग कर लेंगे। अब निशान लगाया झंडा झंडा उसको कटिंग करेंगे। देखो ये कटिंग होगी कि अब आपस सिलाई बताऊंगा, कटिंग तो होगी। तो देखो या ना पहली पैना की सिलाई कर लेंगा, क्योंकि 6 पैना चाहे तो 5 पैना की तो करनी पड़ेगी अपन सिलाई, एक तो फिर भी बाद में सिलाई करा चाह, तो ये पूरा पैना की दो दो कर सिलाई कर लेंगे। यहाँ उन्हीं का देखो आधा आधा इंच छोड़ सिलाई कर रही चूँ एक पैना की मैं, क्योंकि पक्की कोर है ना बिना वो कर देंगे। तो यहाँ पूरा पैना की सिलाई कर लेंगे। अब यह साइड में गाई चाहे वो पैना हम नेफो निकाले जाना बिना फोल्ड कर सिलाई कर लूँगी पूरा की, क्योंकि कुछ को लो ना धागो जिसू पूरा फोल्ड कर रही चूँ मैं ना साइड वाला ना लास्ट में राव जी है जिसू पहली सिलाई कर रही चूँ मैं। अब यह बुकरम वालों पट्टो चे ना बिन तैयार कर रही चूँ, जोड़ रही चूँ कपड़ा ने मैं, तो यहाँ जोड़ है ना और यह सिलाई कर लेंगा। और यह बीच में रख दी मैं बुकरम, और यहाँ उन्हीं का सिलाई कर दूंगी या। बुकरम बीच में रखकर पूरी पर सिलाई कर लेंगे, पहले बुकरम पट्टो तैयार कर लेंगे या उन्हीं को। उन्हीं का पट्टो तैयार हो जाओगे अपने पूरा होगो। अब लहंगा को जोड़ेंगे इन्हें, देखो लहंगा को ऊपर रख दी सीधी साइड में, और ये सिलाई है इस पर सिलाई कर लेंगे जोड़ रहे पूरा खींच न कर, नहीं तो बड़ा जाओगे कपड़ा में, तो ये आसानी से पट्टो जोड़ देंगे पूरा पे। फिर अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे इन्हें, तो पहले यह पूरा जोड़ रही चूँ मैं कपड़ो, यहाँ उन्हीं का पट्टो बुकरम में सिलेड़ो है ये पट्टो, तो यहाँ उन्हीं का जोड़ लेंगे, और यह पट्टो जुड़गो पूरा अपनों। यह सादा सिंपल लहंगो चे चुन्नट वालों। अभी ना अंदर की साइड फोल्ड कर ले ला, यहाँ उनका देखो पट्टा ना आराम से सिलाई करेंगा पूरा पे, यहाँ उनका सिलाई कर लेंगे ना। पुरानी आउने की सिलाई कर लेंगे।
अब यह अस्तर तैयार करेंगा। बट्टा तो होगा तैयार, तो अस्तर का यह कपड़ों जोड़ लो जिन जोड़ लेंगे, पहले सिलाई कर लेंगा और फिर ही ना फोल्ड करेंगे। आप देखो यहाँ उन्हीं का अस्तर ना फोल्ड कर सिलाई कर लेंगा। पूरा फोल्ड कर लूँगी। अब यह नेफो तैयार करेंगे। नेफा के देखो यह अस्तर रख दी नीचे में, तो एक चारों मेर सिलाई कर लेंगे, क्योंकि कपड़ों खिसको लो ना, तो पहले सिलाई कर रही हूँ मैं ये यहाँ। अब साइड में से फोल्ड कर लेंगे दोनों तरफ से, दोनों तरफ से यहाँ फोल्ड कर लूँगी मैं। अब फोल्ड होगो, अब यह साइड में से लहंगा फोल्ड कर लेंगे। अब ये चुन इन अस्तर ने जोड़ देंगे पहले नेफा पर, तो अस्तर ने जोड़ दी मैं। अभी पर चुन्ना डाला ला बारीक वाली आसानी से, ऐवणी की चुन्ना डाल देंगे इसमें। देखो ये चुन्ना डाल रही हूँ मैं ऐवणी की, पूरा पे ये चुन्ना टाटा लगी ऐवणी की, क्योंकि छह पहनना चाहिए, छह मसू बस नेपो नहीं खा लिया एक मसू, तो छह सौ थोड़ सौ कम छ। तो यहाँ उन्हीं के पूरा चुन्नटा डाल दी मैं। अब देखो यहाँ फोल्ड कर लूँ ली मैं, फोल्ड कर सिलाई कर लूँ ली। अब ये दूसरी सिलाई और कर देंगे इस पर नेपा पर, क्यों सही लग लो ने पाप दूसरी सिलाई करेंगा तो। लेस वेस कौन लगा रही मैं, यहाँ उन्हीं की सिलाई करी चुकी की। तो देखो यह साइड में से फोल्ड कर ले ला। अब लास्ट पहनना ना पा, पहले तो अस्तर के साथ करा ला अंडा तक थोड़ी सी दूर, तो फिर अस्तर पहले फिर तो कपड़ा करांगा पहले, तो फिर अस्तर की करांगा बाद में सिलाई। यहाँ कर रही चू मैं यह सिलाई, तो देखो ये सिलाई होगी आउनी की हुई चा। अब अस्तर की कर लेंगा सिलाई बाद में। तो देखो यहाँ आउनी का बनर तैयार हो चा, लहंगो मारो अथरो घेर भी बने से साथ चुन्नट वाला में भी। तो कमेंट करवा था जो थान का शौक लागियो, अगर वीडियो थाना अच्छा लागियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जियो।